सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तूने यूनाइट के डाल लिए, लेट्स गो पिकाचू के डाल लिया, ब्रिलियंट डायमंड का भी तो डाल। तो गाइस इसलिए ले आया है यार आज मैं। और गाइस मैं सोच रहा था कि मेरे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं, मुझे नए कपड़े लेने चाहिए। और मुझे पता चला कि व्हीलस्टोन सिटी में एक स्टाइल शॉप भी है, तो चलो चलते हैं। और गाइस तुम लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि फ्लाई कहाँ से मिला। पहली बार फ्लाई यूज किया और अच्छा है, मतलब क्या बताऊँ, अच्छा अटैक है। अटैक का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। ओके मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मिल ही नहीं रही है। ठीक है, वहाँ मैप में तो था। ओके यहाँ भाई, यहाँ से तो जिम जाते हैं। टाउन मैप में एक बार चेक करते हैं। अरे हाँ, आप तो बैग में टाउन मैप रहता ही नहीं है, यहीं पे है यार। नहीं पता चल रहा यार, ये बताते नहीं है यार। थोड़ा और ढूंढते हैं, रुको कहीं और जा सकते हैं। नहीं यार, पेस्टोरिया सिटी चलते हैं, पहले जिम हरा लेते हैं। ओके यहाँ से क्या पता पता चल जाए, एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं हो रहा यार, पेस्टोरिया सिटी चलो सीधे। हाँ चलो भाई, भाई अब एक सेकेंड, मेरा स्टार रेविया स्टार रैप्टर तो बना नहीं, तो फ्लाई में स्टार रैप्टर क्यों दिखाता है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? थोड़ा अच्छा लॉजिक लगाओ यार गेम वालों। ये ग्रेट मास्क के बारे में बता रहे हैं। इन द ग्रेट मास्क दे यूज क्विक ट्रैम्स ऑन। अच्छा तो ग्रेट मास्क के अंदर आई थिंक वो रहता है, कुछ रेलवे से रिलेटेड है, रेल्स होती होंगी, ज़्यादा मुझे नहीं पता ना सिनों के बारे में। ओके ये जिम मुझे याद है, मैंने सिनों देखी थी थोड़ी बहुत, तो ये इतना मुझे याद है। ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाग नहीं रहा था, भाई वो गलती से चला गया था बाहर। ये बहुत टफ है, इसे मैं, मुझे लग रहा है 5-6 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। मेरा दिमाग थोड़ा तेज है इसलिए 5-6 मिनट में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सोचना पड़ेगा। चलो इन ट्रेनर्स को पहले हरा देते हैं, वरना बाद में दिमाग चाटेंगे। चलो आप भी जाइए भैया, चलो। ओके और अभी हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ओके चलना भाई, चल ही नहीं रहा था सीरियसली, चलते ही नहीं है इसके ऊपर। ओके ये कौन है वैसे, इसका नाम तो पता नहीं मुझे। क्रैशर विक वेलकम, आई डोंट गेट चैलेंज्ड वेरी ऑफन। हाँ भाई इतना टफ है तेरा जिम, तो सही बोला। द ग्लोरी यू आर नाउ बीहोल्डिंग इज द पेस्टोरिया जिम लीडर, डेट्स राइट आई एम क्रैशर विक। तो इसका रियल नाम क्या है? माई पोकेमॉन वर टफेंड अप बाय स्ट्रॉम व्हाइट वाटर्स, दे विल टेक एवरीथिंग यू कैन, विक्ट्री विल बी आर्स, कम ऑन लेट्स गेट इट डन। हाँ चल हराते हैं। आई थिंक इसका नाम वेक होगा और क्रैशर इसने ऐसे रख लिया। एक सेकेंड, इसके निप्पल तो है ही नहीं यार, मतलब कुछ भी। गेम वालों कुछ तो अच्छे से डिटेलिंग करके बनाते गेम। गाइस यार ये बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं सोच रहा तो बहुत पावरफुल होगा, बहुत बड़े लेवल के होंगे इसके पोकेमॉन। अजी घंटा कुछ नहीं है, इसके पोकेमॉन बहुत छोटे हैं। हाँ मेरे से एक दो लेवल छोटे हैं, मुझे उतना खुश नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैंने ओवर लेवल किया है या ज़्यादा लेवल अंडर लेवल हूँ मुझे नहीं पता। इतना है कि मेरे नॉर्मल लेवल के पोकेमॉन हैं। सही बोला भाई। हाँ ज़रा इसके नाम तो देखे क्या है इस जिम का, बैच का फेन बैच। अबे यार सीरीज के जितने भी बैच है ना, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लग रहा भाई, बहुत घटिया दिख रहे हैं, सच बता रहा हूँ। कभी देखना आप लोग अच्छे से कांटो से कंपेयर करो, कितने अच्छे हैं कांटो के। TM55 भाई ये लास्ट में SQ लगा है, ज़्यादा TM देते हैं क्या ये? ब्राइन मुझे नहीं पता कौन सा अटैक है यार, ट्राई करेंगे, वाटर टाइप है, सिखा देंगे अपने फियर्स को, लेकिन इस एपिसोड में मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, जाना भी अभी टफ है कितना। चलो यहाँ से चलते हैं। ओके आई थिंक ये दबाना पड़ेगा। ओके भाई मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे यही नहीं पता चला कि कोई ब्लू वाला बटन भी होता है। भाई ब्लू वाला बटन से पानी का लेवल जो बढ़ता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके भाई यहाँ से तो रास्ते नहीं है, आई थिंक ग्रीन, हाँ हाँ वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। ओके चलो चलो, मैं भी सोच रहा था भाई कहाँ से जाऊँ। एक तो इन्हें जाने के लिए भी वापस सॉल्व करो, जाने के लिए उतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। ओके भाई अंदर ही नहीं जा रहा था, पहली बार तो कैरेक्टर गाइस, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो थोड़ी तो यार इसमें मेरी क्या गलती है, क्लाइमेट ऐसा है बहुत आंधी आती रहती है। हाँ भाई भाई तूने बोला तो सही, सही बोला भाई, और मैं किसी इंसान को ऐसे जज करता भी नहीं हूँ सच में भाई, काफ़ी अच्छी बात बताई, अच्छे से बात करते हैं। हाँ द पैकेज फाइनली केम फ्रॉम द व्हीलस्टोन वेयरहाउस, सो इट्स नाउ माय जॉब टू डिलीवर दिस टू द लेक, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मिशन, नो फेलियर। ओके ओके तो ये ग्रेट मार्च में जाएगा अभी।
भाई हमने तुझे सुन लिया, और भाई इसलिए कहते हैं ज्यादा तेज मत बोला करो, है ना? मैं समझाता हूँ यार, इतना तेज मत बोला करो, मैं अपने वॉइस ओवर में भी धीरा बोलता हूँ। ओके भाई मैं तो तुझे फॉलो करूंगा, बता क्या कर लेगा जरा दे। भाई तू बहुत धीरे चलता है, जरा इससे बात करते हैं, हम बात भी करेंगे। प्रेसिसेंट पेस्ट को बोला इसने कुछ अपन को। ओके हाँ भाई मैं नहीं करने दूंगा। भाई क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे है? मैं घटिया इंसान हूं क्या यार? मैं साले तू क्यों आ गया भाई? ये क्या इंसान है? ठीक है चल ओके, पक्का इसे बैटल करना होगा। साले मुझे पता था तू बैटल करेगा, अब टाइम वेस्ट करेगा। कोई बात नहीं गाइस, मैप में दिख जाता है बंदा कहाँ खड़ा होगा, ढूंढ लेंगे। साले के पास देखे तो क्या क्या आया, एक सेकेंड भाई, इसका पिछले बार भी स्टार ली था, इस बार भी स्टार ली, इसका 24 लेवल का स्टार ली था, और ये भी भाई बहुत छोटे इसके पोकेमोन है। रोजेलिया भी थी इसके पास गाइस। तुम लोग सोच रहे हो यार इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल्स कहाँ से आ गई, मतलब कुछ अच्छा तो मैंने किया नहीं ज़्यादा। हाँ लेकिन अब मैं कट्स बैटल के थोड़े और अच्छे से मारने लगा हूँ भाई ना, मेरे अंदर का टैलेंट आज जाग गया था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी एडिट करके बहुत जल्दी वॉइस ओवर दे दिया। भाई मैं बोल भी नहीं पाता, मेरी हिंदी भी खराब हो रही है यार, पता नहीं क्या हो गया आजकल, मेरी जीभ को बोल ही नहीं पाता। तुम लोग बताना अगर कुछ सही कर सकते हैं टंग ट्विस्ट को। गाइस सॉरी फॉर द फ्लिकरिंग। ओ भाई ऐसा होता तो था पोकेमोन गो में जब एग फूटता था, भाई वही हो रहा है सीरियसली। क्या निकल जाए, लियर हो तो रियल हो तो निकले, निकलने नहीं वाला भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल हो तो निकलेगा नहीं। हैप्पी नहीं साला, इससे अच्छा क्लेफा दे देते, हैप्पी नहीं क्यों दे दी भाई? चलो कोई बात नहीं, क्या ही करूँ मैं। नो भाई मैं टीम में भी नहीं रखना चाहता। जत क्या टट्टी पोकेमोन दिया यार तुम लोगों ने, जरा मैप में चेक करें वो बंदा कहाँ है। सॉरी गाइस एक और बार मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अगर आ रहा होगा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वॉइस तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं। चलो टाउन मैप में देखते हैं, मैं उसे बैक कर, वो सामने ही यही है। हाँ चलो व्हीलस्टोन चलते हैं पहले, अभी मैंने सोचा, मैंने गूगल पे सर्च किया और देखा कि वो कपड़े वाली शॉप कहाँ है, तो पहले लेके आ जाते हैं कपड़े, पर भाई बाद में देख लेंगे। ओके ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई हिडन आइटम तो नहीं है, वरना हर बार मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं गाइस, अपन को नीचे जाना है और वहाँ से एक ऊपर को रूट आएगी। हाँ मतलब यहाँ से नीचे चलो, हाँ यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पे एक क्लोज शॉप होगी। भाई मैं ढूंढ क्यों नहीं पा रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं गया ही नहीं इस जगह पे। चलो चलते हैं ड्रीम स्टाइल शॉप में, अच्छे कपड़े दिखा दो भाई। ओके मेट्रोनोमो, ओके मेट्रोनोमो नहीं मेट्रोनोम, ओके आईड लाइक टू शॉप पिकाचू हुडी स्टाइल। भाई बाकी किसी की अपनी औकात नहीं है और यही सबसे अच्छा है भाई, और कोई होगा ही नहीं अच्छा, तो भाई यही ले लेते हैं पिकाचू से, अपन को जन्मों से प्यार है। हाँ भाई हम आएंगे बाद में कभी देख लेंगे। और ओके गाइज मैं यहाँ पे आ गया और इसे ढूंढ लिया, ठीक है ओके। ये अभी भी भाई हमने इसकी बातें सुन ली भाई तू क्यों इतने तेज सुनता है यार, ना आई मीन सोचता है, मैंने कहा था ना मैं हिंदी नहीं पढ़ पा रहा। यू आर अ प्रेसी भाई, परसिटेंट क्या बोल रहे है, परसिटेंट पेस्ट जो यूर भाई है भी है यूर परसिटेंट। ओ भाई अग्नि टट्टी निकल गई यार इसकी, भाई हम तुझे ऐसे ही डराते रहेंगे। एक्चुअली मेरी टट्टी निकल रही है यहाँ पे वॉइस ओवर देते वक्त, पता है अभी अभी सिनिस्टर देख के आ रहा हूँ गाइस, आप लोग मत देखना, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी मुझे तो अभी पता चल गया। साला भाई मैं यहाँ पे लाइट ऑन करके बैठा हूँ अकेले वॉइस ओवर के लिए, इतनी फट रही है ना मेरी, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना फटने की आवाज़ भी सुनाई देगी, मेरा माइक अच्छा नहीं है इसलिए सुनाई नहीं दे रही। जरा इससे बैटल कर लेते हैं भाई, मुझे इतनी गुस्सा है ना जब इसने बोला बैटल कर लो, वैसे तो मैं सिनिस्टर के बारे में बता रहा था, इतनी अच्छी मूवी है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। साले तुझे तब से वही करना चाहिए था, ठीक है हमें इतना क्यों भगाया, और अभी भी साला चला गया। चलो भाई इसमें एक्चुअली अपनी हेयर स्टाइल बदल गई ना, आगे सिंथिया है, सिंथिया है। ओ हेलो लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ इज योर पोकेडेक्स फिलिंग अप, अच्छा चल रहा है ओके। नहीं भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में, अच्छा देखेंगे भाई। आई थिंक इसके अंदर वो 3 मिलते हैं ना, मुझे उन पोकेमोन का नाम भी याद नहीं है, लेजेंडरी होते हैं आओ, याद नहीं है ठीक है सर्च कर लूँगा। हाँ मिले थे ना, मिले थे ना चोमो के तरह थे, अच्छा उन्हें एक मेडिसिन देनी है, दे दो आप, ठीक है दे देंगे भाई मुझे।
ओके यू आर वर्किंग ऑन पोकेडेक्स सो इट वुड बी वर्थवाइल फॉर यू। अबे नहीं यार क्या बताऊं मैं, वो रोवर ने मुझे फालतू में पोकेडेक्स पकड़ा दिया, मैं फिल तो करता हूँ नहीं। गाइज ये मत समझना कि मैं अभी नहीं करूँगा, गाइज देख लो गेम खत्म होने के बाद मैं 100% फिल करके दिखाऊंगा, चाहे कितना ही टाइम लगे। मैं ठीक है आगे चलते हैं। ये रहे वो चोमू लोग, ओके इन्हें मेडिसिन खिलाते हैं। हाँ चलो खिला देते हैं। भाई जल्दी भागो अब मुझे आगे निकलना है, अगली सिटी के लिए वहीं से जाना। आई थिंक अब मुझे सेलेस्टिक टाउन जाना है। ठीक है भाई कैसे चोमू की तरह जा रहे हैं, ये वाला यहीं पर रुक गया, ऐसे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ये भी सोच रहा होगा चलो यार मेरे पूरे लोग तो मुझे छोड़ के चले गए। सिंथिया आप यहाँ पे आ गए, ओ गॉड यू। हाँ अच्छा क्रोनिक हेडेक ये क्या है भाई, ऐसी कोई रियल में बीमारी होती है तो बताना। अच्छा मैंने कहा था सेलेस्टिक टाउन जाने। ओके मैं आपका नौकर हूँ, नहीं बताओ मैं आपका नौकर हूँ, इनकी ग्रैंड माँ को देने के लिए मैं ओल्ड चार्म देने के लिए जाऊँ वहाँ पे, बताओ मैं आपका नौकर हूँ। लेकिन आई थिंक वहाँ पे एक जिम भी तो होगा। ठीक है भाई आप कह रही थी पोकेमोन मिलेंगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता पोकेमोन मिले चाहे ना मिले, मैं पकड़ता तो नहीं। भाई ड्रेस तो अच्छी लग रही है लेकिन बैटल में अलग हेयर स्टाइल है, चलते वक्त अलग हेयर स्टाइल आती है। चलो नो प्रॉप, वो हेयर स्टाइल भी अच्छी है ये भी अच्छी है, अरे कूट देंगे ठीक है। ओके चले गए भाई। राइचू यहाँ पे अलोला राइचू मिलेगा क्या? हाँ यार बता ना यहाँ पे अलोला के पोकेमोन मिलेंगे क्या? एक्चुअली इसमें शोड एंड शील्ड के भी पोकेमोन आएंगे है ना? हाँ आते तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं मिलते होंगे ठीक है, बता अगर नहीं आए हो तो बता देना। भाई इसने 13,000 पोके डॉलर दिए थे। वेट स्टार केज इवॉल्विंग, नहीं मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, एकदम से आपने जिंदगी अलट पलट कर दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन अब स्टार रैप्टर बनने जा रहे हैं तो खुशी तो हो रही होगी, जरा देखें कैसा होगा। फ्लाई में तो दिखाई दिया था सालों पहले, स्पॉइलर दे दिया करो तुम लोग। ओके अच्छा तो लग रहा है, हेयर स्टाइल मस्त है यार इसकी, एक आंख ढक ली भाई पर तुझे दिखता कैसे होगा? अच्छा अभी नहीं ढकी, ओके अच्छा है। क्लोज कॉम्बैट सीख लो ठीक है। स्टील विंग तो अच्छा है, देखो एरियल इस हटाऊंगा नहीं मैं, सबकी पावर भी देख लेते, एरियल इसकी अच्छी है ठीक है। विंग अटैक की भी ठीक है लेकिन विंग अटैक हटा दे। अब तुम ही बताओ पुराने अटैक को हटाना ज़रूरी होता है ना यार, होता है ना? चलो कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोज कॉम्बैट सीख लिया। लेकिन मुझे पता है तुम्हें स्टार रैप्टर की फीलिंग्स की घंटा फिक्र नहीं है, फिर भी यार तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे फिक्र है तुम्हें हो चाहे ना हो। ओके मुझे समझ भी नहीं आ रहा अच्छे से कहाँ से जाएं। ओके यहाँ से नीचे ही जाना पड़ेगा यार, कितने ट्रेनर से लड़ना पड़ेगा। गाइस 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है ये, और तुम लोग को वीडियो देखते देखते पता भी चल गया होगा कि वीडियो कितना बड़ा है। मुझे पता है यहाँ तक सिर्फ 2-3 बंदे ही देख रहे होंगे। एक सेकेंड गाइस तुम लोगों ने देखा, मैंने ये चीज़ नोटिस की, भाई बाइक देखा कैसे ऊपर जाती है और नीचे आती है। भाई जिस मुझे कंपनी का तो नाम तो पता नहीं जिसने गेम बनाया, फिर भी भाई थोड़े अच्छे से कर लेते। हाँ 60 FPS पे हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे हो रहा है, लेकिन गाइस एडिटिंग करते वक्त स्लो मोशन में जब देखते हैं तो सबको पता चल जाता है, और आप लोगों ने भी एक दो बार नोटिस किया होगा या वो ग्लिच है मुझे नहीं पता ठीक है, आप लोग कमेंट में बता देना। और इसने एक्वा टेल सीख लिया, और कसम से एक्वा टेल बहुत अच्छा अटैक है, अगर आप लोग किसी पोकेमोन सीख रहा हो तो सिखवा देना। टेराडोस तेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे ना मॉनफर्नो को निकालना है। ओके इसके जिराफिक को कूटेंगे भाई। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये ट्रेनर्स थोड़ा सेंस लगा के कोई पोकेमोन पकड़ते हैं, आई मीन जिराफिक कौन पकड़ता है? एस्टोनिश मार रहा है तू, मुझे पता है इसके पास इससे भी अच्छे अटैक होंगे, तो मारो ना फ्लेम व्हील के, मुझे बस शेडर्स देख के मजा आ जाता है इसलिए मैं करता हूँ। और ये तो काफी अच्छा था, चलो यार सेलेस्टिक टाउन जल्दी आ जाए भाई, मैं थक गया हूँ, मेरी उंगलियां टूटने को हो रही हैं। माचोक कितने पोकेमोन है तेरे पास, मैं तब से थक गया। तुम लोग नहीं समझ रहोगे क्या हो रहा है, तुम लोग कह रहोगे अबे रेज क्यों कर रहा है, वॉइस ओवर करना। भाई तुम लोग को नहीं पता मैं कितना थक गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। 70 सब्स करवा दो ठीक है, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर के, वरना चैनल डिलीट कर देगा, मजाक कर रहा हूँ। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तो बैरीज ही हैं, मैं नहीं ले रहा यार, बहुत टाइम वेस्ट करती हैं ये बैरीज। यहाँ से कोई रास्ता है क्या? नहीं है यार, ऊपर चलते हैं। ओके सेलेस्टिक टाउन आ गया,
थैंक गॉड सेलेस्टिक टाउन आ गया, मेरे बेचारे पोकेमोन मरने को हो रहे थे। चलो अब कम से कम रेस्ट तो करवाऊंगा, उन्हें अच्छा तो लगेगा और मुझे तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद करने को मिली। सो गाइस होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।